नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशा। सुबह के 7 बजने वाले हैं, वक्त है वीडियो ब्रेकिंग और मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज का। तो अगले 20 मिनट आपको देश और दुनिया की हर बड़ी खबर दिखाएंगे। सबसे पहले देखते हैं मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज। रोशनी का पर्व दिवाली कल पूरे धूमधाम के साथ मनाया गया। आपको दिखाते हैं देश के कुछ खास शहरों से दिवाली की रौनक की रिपोर्ट। कल देश भर में धूमधाम से दीपावली मनाई गई। रंग बिरंगी रोशनी से शहर गांव जगमग हो उठे। लक्ष्मी पूजन के बाद आतिशबाजी की गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पटाखों का शोर थोड़ा कम था, लेकिन लोगों में पटाखा जलाने के उत्साह में कमी नजर नहीं आई। दिल्ली में सिर्फ 2 घंटे पटाखा चलाने की इजाजत थी, लेकिन लोगों को वक्त की पाबंदी का ख्याल ही नहीं रहा। दीपावली जो है खुशियों का त्यौहार है। हमने वही किया, दीप जलाए, मिठाई खाई और पटाखे भी चलाए। दिल्ली के बंगला साहब गुरुद्वारे को रोशनी से सजाया गया। दिल्ली में इंडिया गेट और नॉर्थ ब्लॉक को रोशनी से सजाया गया। कोलकाता में भी लोगों ने जमकर पटाखे फोड़े। कोलकाता में हावड़ा ब्रिज भी रोशनी से जगमग हो रहा था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लोगों ने मोमबत्तियां जलाई और पूजा के बाद पटाखे फोड़े। त्यौहार तो खुशी का होता है, किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं होता। बस ये थोड़ा सा ही किया हम लोगों ने कि बच्चे सारे मिलके पटाखे छुड़ा ले बस। वाराणसी में गंगा घाट पर दीपावली के लिए विशेष आरती की गई। रांची में भी लोगों ने जमकर पटाखे चलाए। मुंबई में मरीन ड्राइव पर लोगों ने पटाखे फोड़कर दिवाली का जश्न मनाया। मुंबई में शिवाजी पार्क और बीएमसी दफ्तर में लोगों और बच्चों में दिवाली का जोश देखने को मिला। हैदराबाद में भी दिवाली का जोश देखने को मिला। इंदौर में दिवाली खास तरीके से मनाई गई। इंदौर के 150 साल पुराने हनुमान मंदिर के गर्भगृह को 10 लाख रुपए के नोटों से सजाया गया। रोशनी में नहाया अमृतसर का स्वर्ण मंदिर बेहद खूबसूरत लग रहा था। स्वर्ण मंदिर में आतिशबाजी देखकर सभी हैरान रह गए। श्री हरमिंदर साहिब में 10 मिनट आतिशबाजी हुई, जो तय वक्त से 5 मिनट कम थी। सीमा पर तैनात जवानों ने भी दिवाली का जश्न मनाया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बीएसएफ के जवानों ने दिवाली मनाई। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बीएसएफ जवानों ने भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर दिवाली मनाई। जवानों ने अनार और फुलझड़ियां जलाई और डांस भी किया। लद्दाख में आईटीबीपी के जवानों ने -20 डिग्री सेल्सियस में दिवाली मनाई। हड्डियां गला देने वाली ठंड के बीच जवानों ने दीप प्रज्वलित किया।